फैमिली, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अमित फिटनेस इंजीनियर पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ मसल बिल्डिंग। आखिर ये बोर्ड पे हमने क्या बना रखा है? इसको हम ट्राइपॉड बोलते हैं और एक ट्राइपॉड मेरे हाथ में है। ट्राइपॉड मतलब इसकी 3 लेग्स होती हैं। अगर एक लेग्स भी डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो ये गिर जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। तो आज हम बात करेंगे हमारी मसल बिल्डिंग का। ये ट्राइपॉड है, इसकी एक लेग्स भी अगर खराब हो गई तो हमारी मसल बिल्डिंग में हमें हेल्प नहीं मिलेगी। तो इसकी डिटेल में बात करते हैं, वीडियो कंप्लीट देखें। अगर आप काफी टाइम से जिम कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो आपके गोल है वो अचीव नहीं हो रहे हैं, तो इन तीनों चीजों को, ये पिलर जो मैं बारी बारी बता रहा हूं, आपको इन चीजों को फॉलो करना है। इससे आपको पता लग जाएगा कि कहां पर कमी रह रही है। ठीक है, सबसे पहले जो हम इसको बोलेंगे, इसको हाइपरट्रोफी ट्राइपॉड, किसका हाइपरट्रोफी ट्राइपॉड? मसल का। कई बार वीडियो में बनाता हूं तो कमेंट आते हैं कि सर हिंदी में बताया करो। आज इस वीडियो में मैं टेक्निकल और हिंदी में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, हाइपरट्रोफी क्या होती है? हाइपरट्रोफी होती है आपका मसल सेल का साइज इंक्रीज होना। जो आपकी मसल का साइज गेन होता है उसको हम हाइपरट्रोफी बोलते हैं, चाहे बॉडी की कोई भी मसल हो। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है? इसके लिए 3 पिलर हैं जो हमें तीनों पे बराबर इक्वल फोकस करना पड़ता है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं, हमने सुना होगा 70% डाइट 30% वर्कआउट, तो वो कुछ भी नहीं होता भाई। तीनों पे हमें 100% फोकस करना पड़ेगा। तो ये तीनों क्या है वो आपको मैं बता रहा हूं, बारी बारी पढ़ेंगे। पहला है जो, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। बारी बारी एक एक को एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है जैसे हम जिम जाते हैं, सपोज आप 100 kg की बेंच प्रेस करते हो और अब जब भी आपके चेस्ट का एक्सरसाइज का नंबर आता है तो आप 100 kg की बेंच प्रेस करते हो और वापिस आ जाते हो, तो इसका मतलब जो आपका आउटपुट है वो 0 हो गई। प्रोग्रेसिव मतलब कुछ उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसे कि आप 100 kg की बेंच प्रेस कर रहे हो और उसके 6 रैप्स लगा रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम 100 kg के या तो आप 7 या 8 रैप्स लगाओ या फिर 105 kg थोड़ा सा वेट बढ़ाओ, उसके 6 रैप्स लगाओ। या तो आप रैप्स बढ़ाओ या आप वेट बढ़ाओ। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, बारबेल कर लगाते हो। ठीक है, सपोज 20 kg के आप 6 रैप्स लगा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप बारबेल कर लगाओगे तो आप 20 kg के या तो 7 या 8 रैप्स लगाओ या फिर आप 22 kg करो, 25 kg करो, उसके 6 रैप्स लगाओ। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे कि आपकी एक्सरसाइज में प्रोग्रेशन जरूरी है। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं जो आपको वीक में जरूर करनी है। पहली होगी स्क्वैट, डेडलिफ्ट, फिर होगी बेंच प्रेस, फिर होगी मिलिट्री प्रेस। ये जो चारों एक्सरसाइज है ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर एक्सरसाइज है। ठीक है, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है और आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलती है। ये आपको एक दिन ही नहीं करनी है, बट वीक में जैसे आप लेग्स डे कर रहे हो तो लेग्स डे वाले दिन स्क्वैट कर सकते हो, बैक वाले दिन डेडलिफ्ट कर सकते हो, बेंच प्रेस चेस्ट डे वाले दिन कर सकते हो और मिलिट्री प्रेस कर सकते हो आप जिस दिन आप शोल्डर कर रहे हो। ठीक है, एक दिन मैं पुश पुल और लेग्स का वर्कआउट लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि जो ये हम डे मंथ के चलते हैं ना वो कुछ नहीं होते, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको क्लियर करूंगा। बट आपको ये एक्सरसाइज हमेशा करनी है, इनको कभी भी स्किप नहीं करना है। ये नहीं कि डंबल लगा के ऐसे लगे रहो सिर्फ बाइसेप्स के लिए।
तो ये हो गया हमारा पहला प्रोग्रेसिव ओवरलोड पिलर नंबर वन। अब चलते हैं सेकंड पिलर पे, ये क्या कहता है? ये बोलता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे हमने प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके अपनी मसल को तोड़ लिया, माइक्रो ट्रोमा हुआ, मसल फेलियर हुआ, स्ट्रेस आई, अब बारी है उसको रिपेयर करने की। तो रिपेयर करेंगे हम न्यूट्रिशन से। आपको पता होगा दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिशन और एक मैक्रो न्यूट्रिशन। ठीक है, माइक्रो में आते हैं आपके मिनरल्स और वाइटामिन्स, और जो मैक्रो होता है मैक्रो में आते हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो आपको मैक्रो और माइक्रो दोनों लेने पड़ते हैं। आप माइक्रो के लिए मल्टीवाइटामिन ले सकते हो, मल्टीवाइटामिन्स, ठीक है, जिससे बॉडी रिपेयर होने में हेल्प मिले। और अब बात करते हैं प्रोटीन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्रो न्यूट्रिशन में। प्रोटीन हमें दो चीजों से मिलता है मेनली, एक होता है एनिमल बेस्ड और दूसरा होता है प्लांट बेस्ड। एनिमल बेस्ड की बात करते हैं, इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोला जाता है भाई। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बने रहे भाई, बहुत डिटेल मैंने आपको जैसे बताया था, जो मेरा कंटेंट होगा बहुत अच्छा रिसर्च कंटेंट होगा, तो आपको वही बता रहा हूं। ठीक है, किस वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। सेकंड जो प्लांट बेस्ड बोलते हैं ना, इसको बोला जाता है सेकंड क्लास प्रोटीन। मतलब जो अच्छा प्रोटीन कौन सा होता है? अच्छा प्रोटीन होता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन, जैसे कि दूध, दही, घी, पनीर, चिकन, एग्स, ये सब एनिमल बेस्ड प्रोटीन हो गए। ये अच्छे इसलिए होते हैं कि जो हमारी बॉडी जब इनको एब्जॉर्ब करती है तो इनका एब्जॉर्ब फास्ट होता है। ठीक है, और प्रॉपर इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं ये उतने एफिशिएंट नहीं होते, लेकिन जो वेज है वो जा सकते हैं, जैसे कि दाल, चने, इन सब पे वो जा सकते हैं। ठीक है, स्प्राउट्स वगैरह पे। अब बात करते हैं, ये हमारा डाइट का हो गया, सेकंड पिलर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड पिलर, हमारा थर्ड पिलर क्या कहता है? तो थर्ड पिलर कहता है कि प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी। हमने एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन ले लिया, तो कौन सी चीज की कमी रह गई? रेस्ट एंड रिकवरी की। अगर इनमें से एक भी चीज की कमी रखते हो तो आपकी मसल भाई नहीं गेन होगी। ठीक है, मसल गेन एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, और वो भी तब होता है जब हम इन तीनों चीजों का ख्याल रखते हैं। तो रेस्ट एंड रिकवरी, हमें प्रॉपर नींद लेनी है एक्सरसाइज करने के बाद, या जब भी आप फ्री हो तो आप सो जाओ। ठीक है, अच्छे से आपको न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। रिसर्च में पता चला है कि जब हम स्लीप कर सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं ना, वो ग्रोथ हार्मोन एक्टिव होते हैं, और उनकी वजह से हमारी बॉडी को रिकवरी होती है और हमारी हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी मतलब मसल साइज गेन होता है, आपकी मसल का साइज बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारे तीन पिलर थे। अब इनके सीक्वेंस बताता हूं कि सबसे पहले क्या करना है। अब आप ऐसे करो भाई, आप सबसे पहले सो गए, उसके बाद आपने न्यूट्रिशन ले लिया, फिर आपने जिम करी, तो वो कोई फायदा नहीं। सबसे पहले सीक्वेंस बता रहा हूं, आपको जिम जाना है, अच्छे से वर्कआउट करना है। ठीक है, मसल को फेलियर तक, माइक्रो ट्रोमा, फुल स्ट्रेस करना है मसल पे, किसी भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो अच्छे से करके आनी है। उसके बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, मल्टीविटामिन्स हो गए, अच्छा प्रोटीन, गुड फैट। अब आपको मैं फैट का भी एक सोर्स बता देता हूँ। फैट में आप कुकिंग ऑयल में कौन कौन सा यूज कर सकते हो? अच्छे जो होते हैं, आप घी यूज कर सकते हो, बटर यूज कर सकते हो, और कोकोनट ऑयल। ये जो तीन मैंने आपने बताए हैं, ये एक अच्छी क्वालिटी का गुड फैट है और एक हेल्दी फैट है जो आप ले सकते हो। एक जो मिथ मैंने आपका पीछे वीडियो में क्लियर किया था, आपने अगर देखी है तो, कि फैट लेने से हमारी बॉडी में फैट नहीं बढ़ता है, हमारी बॉडी में फैट एक अलग प्रोसेस है, उन वजहों से बढ़ता है। ठीक है, तो आप कुकिंग ऑयल में यूज कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, घी और बटर, इन तीन चीजों का यूज कर सकते हो, इनसे आपका फैट नहीं बढ़ेगा, इवन आपको एनर्जी मिलेगी। 1 ग्राम फैट में आपको 9 किलो जूल एनर्जी मिलती है, और 1 ग्राम कार्ब्स में आपको मिलती है 4 किलो जूल। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप हेल्दी फैट लो। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन की होगी, रेस्ट एंड रिकवरी की होगी।
अब कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। एक, ये जो मसल हाइपरट्रोफी है, आपका मसल गेन होना, वो एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है और इसमें टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगेगा इसमें। आपने एक कहावत सुनी होगी, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो कोई भी अचीवमेंट एक दिन में नहीं होती, उसके लिए प्रैक्टिस और लंबा टाइम लगता है। सेकंड जो बात है वो है स्टेरॉइड्स। जो लोग ये स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बना लेते हैं, आप इंस्टा पे देखते होंगे, यूट्यूब सोर्स पे देखते होंगे, वो भाई कुछ टाइम के लिए होते हैं और आपको पता नहीं वो अंदर से कितना रिग्रेट करते हैं, कितना पछतारे होते हैं। अगर वो प्रोफेशनल हैं और उनके पास एक अचीवमेंट है तो ठीक है, चल जाते हैं। और जो नॉर्मल ऐसे घूमते हैं और स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, तो वो भाई अपनी बॉडी के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद ऑर्गन्स डैमेज होंगे, उनको प्रॉपर पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। और हाँ, जो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं स्टेरॉइड्स के रिगार्डिंग, तो भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे से मत पूछा करो, इस बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं। नॉलेज है तो बस इतनी है कि इनके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। जो आपको ये बोलते हैं कि कोई साइड इफेक्ट है, वो साउट हो जाएगा, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। मेरे पास इसकी इतनी ही नॉलेज है, मैं खुद एक नेचुरल एथलीट हूँ, ठीक है, हमेशा नेचुरल रहता हूँ, इसलिए मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप किसी की जिंदगी बचा सकते हो तो इन चीजों से उसको दूर लेके जाओ भाई। आपको लास्ट में एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो आप बोलते हो ना कि मैंने वेट गेन कर लिया है महीने में 10 केजी, 12 केजी, 15 केजी, तो आपको क्लियर कर दूं, ये आपका वेट गेन होता है, मसल गेन नहीं होता। इम्पॉसिबल है महीने में इतना मसल गेन करना। इसके साथ आपका मोस्टली फैट गेन हुआ है भाई, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें टाइम लगता है, तो मसल गेन में बहुत टाइम लगता है। वेट गेन आप कर सकते हो इजीली, लेकिन मसल गेन में टाइम लगेगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या एक दिन आप बताओगे उस दिन हम लाइव सेशन रख सकते हैं, उस दिन आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अपनी वीडियो को भाई प्यार दिया करो, देख सकते हो बहुत मेहनत लगती है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो मेरा कंटेंट होगा वो हाईली रिसर्च्ड होगा, तो प्रॉपर एक एक चीज मैंने समझाई है कि अब आप खुद देख लो कि आप कौन सी चीज नहीं कर रहे हो, किस वजह से आपका मसल गेन नहीं हो रहा है। कहीं आप ये स्किप कर रहे हो, कहीं आप ये स्किप कर रहे हो, कहीं आप ये स्किप कर रहे हो, तो आपको तीनों चीज करनी है, ठीक है। और वीडियो को भाई ऐसे ही प्यार देते रहो, देखो आपके सामने है कितनी मेहनत लगती है। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करके जाना है, आपके भाई का चैनल है, आपका अपना चैनल है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बता देना। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।